बची हो तो मेरा निवेदन है आपसे कि आप हमारे दर्द को समझते हुए, हमारी भावनाओं पर कर्ज करते हुए और हमारे रोजी रोटी को समझते हुए, हमारे बच्चे को ध्यान में रखते हुए, हमारे पूरे माँ बाप को ध्यान में रखते हुए और पाप से बचने के लिए मेरा निवेदन है आपसे कि आप बिना सोचे विचारे तुरंत आदेश करिए अपने जावेदकर जी को, तुरंत आदेश करिए यूपी के मुख्यमंत्री को, तुरंत आदेश करिए कि शिक्षा मित्रों को समान अधिकार का समान वेतन तत्काल लागू किया जाए। मैं आपसे निवेदन करना चाहती हूँ और आपका एक कर्तव्य बनता है, क्योंकि हम आपसे नहीं मांगेंगे तो मांगने के आप प्रतिधान जाएंगे। भारत में बनाए प्रधानमंत्री आपको तो क्या प्रतिधान जाएंगे? नहीं जाएंगे। पाकिस्तान, हम हिंदुस्तान में रहकर और राम समान पूरी करवाएंगे। और प्रधानमंत्री जी अभी भी कह रहे हैं भगवान सबको एक मौका देता है, आपको भी मौका दिए है कि प्रधानमंत्री पद पर रहकर यूपी के 1,72,000 शिक्षा मित्रों का सर्वसम्मान समान का समान वेतन पर संशोधन करके पूरा सहायक अध्यापक पद पे पद स्थापित कर देना। ये आपको हमारे ईश्वर भोले बाबा एक मौका दिए है, उसका पालन करो, कहीं ऐसा ना हो जाए। मैं दावे के साथ कहती हूँ 1,70,000 शिक्षा मित्रों से, क्योंकि कोई आपकी तरफ से जाने, हम लोग आपकी तरफ खूबी जाते हैं। इस नाते जो हमारी महिला बहने बच्चों को ली है वो प्लीज हम आपके पीछे रहेंगे, और जितने हमारे भाई हो आप सब अपने बहन के बगल में होंगे और हम लोग संसद भवन में आगे चलेंगे। हमारे प्रांतीय नेता आगे रहेंगे तो के दोनों से और बगल में हम लोग रहेंगे और आप लोग हमारे पीछे रहोगे। आने वाले समय में हम तो अध्यापक बनेंगे।
और गाजी का ऐलान हुआ है। 3 बजकर 51 मिनट पर सांसद भवन हम लोग चलेंगे यहाँ से, लेकिन क्रमबद्ध तरीके से महिला हमारे पीछे, भाई बगल में, हमारे दोनों भाई से हम लोग के आगे। इसी के साथ एक बार जोरदार तरीके से फिर नारा लगा दो, करेंगे। बात बोलती है, लेकिन अच्छे से नहीं करना चाहते।